व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयतन अबू। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी, बहुत ही टेस्टी चिकन करी बनाऊंगी। चिकन करी बनाने के लिए मैंने लिया 1 केजी, 1 केजी चिकन लिया मैंने। इस तरह मैंने धोल के अच्छी तरह साफ करके लिया, और लिया मैंने 4-5 कांदा प्याज इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया, और 4 टमाटो इस तरह कट कर लिया, और कुछ ग्रीन चिली इस तरह और इस तरह कट कर लिया। देखिए आप जितना तीखा खा सकते उतना ही ले सकते, मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिया। और लिया मैंने 1 कप दही, खट्टा दही, और यह है अदरक और लहसुन का पेस्ट, मैंने 2 बड़ा चम्मच पेस्ट लिया, और कुछ खारे मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च एंड इलायची लिया, और है धोने पत्ता इसे बारीक काटा हुआ, और यह है कसूरी मेथी, ये रोस्टेड कसूरी मेथी। अब मैं और मसाले में लिया मैंने गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक टू टेस्ट, और यह है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गोटा जीरा। ये मैं कितना यूज़ करूँगी वो बता दूँगी आप लोगों को। पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 कप दही लिया, 1 कप दही ऐड किया, अब 1 चम्मच जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच नमक, ये टेस्ट का अनुसार दे सकते, और 3-4 ग्रीन चिली। अब मैरिनेट करने के टाइम मैंने थोड़ा मसाला डाला, और जब बनाऊंगी तब मैंने और मसाला डाल दूंगी। अब चिकन को अच्छी तरह से दही के साथ मैरिनेट करके रखना है 1 घंटा के लिए। जितना ये मैरिनेट जितना अच्छा करोगे उतना ही चिकन का बहुत टेस्ट आएगा। चिकन मैरिनेट करके मैं आप 1 घंटा के लिए रख दूंगी, तब तक मैं मसाला भून के रेडी कर लूँगी। आप 1 घंटा की जगह 30 मिनट भी कर सकते। अब मैं चिकन को 1 घंटा के लिए रख दिया मैरिनेट करके, अब मैं मसाला भून लेती हूँ। अब मैं गैस ऑन करके कढ़ाई बैठा दिया, अब कढ़ाई गर्म हो गया, अब मैं तेल डाल दूंगी। मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया, तेल गर्म होते ही मैं खड़ा मसाला डाल दूंगी। अब तेल गर्म हो गया, अब मैं ये खड़ा मसाला डाल दूंगी, यह है जीरा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब डाल दूंगी तेल का अंदर। 1 मिनट इसको सॉटे कर लेते हैं ताकि इसका अच्छी खुशबू आने लग जाए। अब डाल दूंगी मैं कांदा प्याज, अब प्याज का ऊपर मैंने नमक डाल दूंगी 1/2 चम्मच। अब प्याज को अच्छी तरह से 1-2 मिनट भून लेना है। देखिए 2 से 3 मिनट तक प्याज को मैंने भून लिया इसी तरह से चलाते हुए, देखिए ब्राउनिश कलर आ गया। अब डाल दूंगी टमाटो और ग्रीन चिली, टमाटो और ग्रीन चिली को भी थोड़ा अच्छे से भुना लेते। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दूंगी। अब मैं जिंजर अदरक और लहसुन का पेस्ट को अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल दूर हो जाए। थोड़ा पानी डालना है ताकि नीचे ना लगे। मसाला को जितना अच्छी तरह से भून लोगे उतना ज्यादा चिकन करी का टेस्ट आएगा। देखिए टोमेटो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब मैं मसाला ऐड कर दूंगी। मैंने 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर।
ऐड किया। अब मैं मिला दूंगी। अब देखो जैसे मसाला डाल दिया इसे थोड़ा बहुत लगने लगा। अब मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी। पानी डाल के मसाला को 5 से 6 मिनट तक अच्छा से भून लेती हूँ। मसाला को थोड़ा ढक के लेट बंद कर दिया। थोड़ा बंद करके पकाना है। जितना अच्छी तरह से भूनोगे उतना ही चिकन का टेस्ट आएगा। देखिए मैंने मसाला को अच्छी तरह से भून लिया, बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब तेल छोड़ने लगा ऊपर। जब तेल ऊपर आ जाए तब मसाला हो गया। तेल अच्छी तरह से ऊपर आने लग गया मतलब मसाला भुना हो गया। अब चिकन ऐड कर दूंगी। अब मैं 1 घंटा के लिए चिकन मैरिनेट करके रख दिया। अब मैं ये चिकन मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी मसाला के ऊपर। धीरे धीरे चिकन डाल दूं। अब चिकन को मिला दूंगी। चिकन को अच्छी तरह से मसाला के साथ मिलाना होगा। मैंने दही थोड़ा ज्यादा डाला इसलिए टमाटो 4 डाला। अब टमाटो और दही कम और ज्यादा कर सकते। तो दही कम होगा तो टमाटो ज्यादा करोगे तो चिकन का टेस्ट अच्छा आएगा। चिकन देने के बाद आप डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। यह है गरम मसाला। आप डाल दूंगी कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी रोस्टेड। इसको मैं थोड़ा क्रश करके इस तरह क्रश करके ढालना है ताकि इसका खुशबू बहुत अच्छा आ जाए। यह है कसूरी मेथी। अब मिला दूंगी। अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला दिया। अब मैं लेट बंद कर दूंगी। 1-2 मिनट के लिए बंद करना है। अब 2 मिनट हो गया। मैं ढक्कन खोल दूंगी। देखिए ऊपर से कितना पानी आ गया। चिकन का ही पानी है। मैंने बिल्कुल पानी भी ऐड नहीं किया अभी तक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लेना है। आपको पानी नहीं आएगा तो चिकन का पानी नहीं छोड़ेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लेना है। मैंने 2 ही ऐड किया इसलिए देखिए बहुत सारे पानी छोड़ दिया चिकन से। अब मैं अच्छी तरह से 5 मिनट तक भून लूंगी। देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। चिकन के साथ जो दही था इसलिए बहुत अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना पड़ेगा। कलर भी चेंज हो गया। देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया। बहुत अच्छा खुशबू आने लग गया। ऊपर से तेल भी छोड़ दिया। 1 से 1.5 कप मैंने पानी ऐड कर दूंगी चिकन गलने तक। चिकन अभी तक गला नहीं। अब पानी देने के बाद अच्छे से मिला के लेट बंद करके देना है। अब पानी दे दिया मैंने। 2 कप पानी दिया मैंने। अब मैं लेट बंद कर दी। ढकना बंद करके रख दूंगी चिकन गलने के लिए। अब खोल के देखना है। गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। बहुत अच्छी तरह से चिकन गल गया। देखिए देखिए इसी तरह मैं चिकन का ग्रेवी गाढ़ा हो गया। अब ये रेडी हो गया। ये चिकन करी बहुत ही अच्छा टेस्टी हुआ। अब मैं डाल दूंगी बहुत सारे हरा धनिया, धनिया का पत्ता। इससे भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत सारे धनिया का पत्ता डालना है। ये हरा धनिया ढालने से चिकन का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप जरूर ट्राई कीजिए इस टाइप का चिकन करी बनाने के। देखिए कितना अच्छा चिकन करी बन के रेडी हो गया।
बहुत ही टेस्टी। मैंने 10 मिनट तक ऐसे भून लिया, ग्रेवी बहुत अच्छा आया। अब मैं सर्व करके दिखाऊंगी, अब मैं सर्व कर लूंगी। देखिए बहुत ही टेस्टी चिकन करी बन के रेडी हो गया, बहुत बढ़िया चिकन करी, बहुत टेस्टी भी। आप जरूर घर में ट्राई कीजिए इस टाइप का चिकन करी बनाना। मेरा चिकन करी कैसे हुआ प्लीज कमेंट करके बता दीजिए मुझे, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पास में जो बेल बटन उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये चिकन 1 से 1.5 घंटे में बन के रेडी हो जाएगा। बाय फ्रेंड्स।